मेरे रसूले पाक मिंबर पे बैठे थे और किसी ने आके कहा था कि या रसूल्ला, लोग आपकी ज़ौजा हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मेरे हबीबे पाक सही मुस्लिम में लफ्ज़ हैं। हुज़ूर ने फरमाया, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे पता है मेरा घर पाक है, मुझे पता है मेरा घर। यार मैं और तू परेशान हो जाते हैं, साथी आके कहते हैं जी फलाना बंदा बातें करता। मैं कहता हूँ छोड़ो यार, क्या करते हो? यहां तो लोगों ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरे अकदस को नहीं छोड़ा। मैं उस बात को छेड़ना नहीं चाहता लेकिन इशारा देना इस मौजू पर जरूरी है। वाकई उफक जब हुआ, हजरत आयशा पीछे रह गई। आप वो औरतों के बने होते थे ऊंटों के ऊपर ना, उनके खेमे बने होते थे जिस तरह डोलियां बनती हैं खेमे, तो औरतें अंदर दाखिल हो जाती थी, पर्दे का पर्दा रहता था, उसी तरह की डोली खेमा बना हुआ था। हजरत आयशा पेशाब करने के लिए झाड़ी के अंदर चली गई। जिस गुलाम की ड्यूटी थी उसने ऊंट उठाया, उसने समझा आ गई, वो ले गया। एक हजरत सुफान रदी अल्लाह तआला की ड्यूटी थी कि तुमने पीछे रहना है, सामान समून रह जाए तो लेके आना है। वो पीछे रह गए, उन्होंने देखा कि हजरत आयशा बैठी हैं, तो कहने लगी काफिला चला गया, काम बाजी पर्दा कर ले। हजरत आयशा ने पर्दा कर लिया, उन्होंने अपना ऊंट करीब ले जाके बिठा दिया। सैयद आयशा बैठी आ गई, कोई बड़ी बात नहीं थी, एक छोटा सा मामला हो गया कि वो जो जिस खादम की ड्यूटी थी हजरत आयशा का ऊंट उठाने की, उसने देखा ही नहीं कि अंदर है कि नहीं। आज तक लोग बदतमीजी कर रहे हैं, मुनाफिक तो मुनाफिक, कलमा पढ़ने वाले कई बदतमीजी करते हैं। इस माज़ अल्लाह ताला अपने गंदे ज़हन की बात आज तक लोग उछालते हैं। मुझे बताओ रहमतल लिल आलमीन नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी? मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठ के कसम उठाते हैं, फरमाया मुझे पता है आयशा पाक है, लेकिन मैं लोगों के सामने उसकी पाकीजगी बयान, और जिस पर इल्जाम लगे वो घबराया ना करे कि ये क्या हो गया है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं। वो याद किया करे कि यहां तो लोगों ने रहमतल लिल आलमीन रसूल को नहीं छोड़ा, माज़ल ये छोड़ते हैं लोग। इल्जाम लगा मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हजरत अबू बकर बीमार होकर घर में पड़ गए। हजरत आयशा को 2 महीने बुखार चढ़ा है। जब बावकार आदमी रुसवा होता है तो हालात बड़े बिगड़ जाते। मेरे महबूब मिंबर पे बैठे परेशान है, उम्र फारूक खड़े हुए, तवज्जो है आप हजरात की। उम्र ने बात की तो बड़ी आला की, कहने लगे सोने जो खुदा तेरे वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता, वो तेरे बिस्तर पर ऐसी औरत को बैठने दे सकता है? हजरत उस्माने गनी खड़े हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, रब ने तो आपका साया नहीं बनाया कि जमीन पर साया पड़े तो जगह ना नापाक हो, तो वो बीवी आपकी नापाक कैसे रख सकता है? मौला कायनात शेर खुदा इमामुल औलिया अपनी वालदा के एजाज में खड़े हुए। हजरत अली उठे तो छम छम आंखों में आंसू है, कहने लगे हुजूर आप लोगों को क्यों देखते हैं? जो रब आपके जूते को मिट्टी लग जाए तो कहता है जूता उतार दे, वो ऐसी बीवी आपको रहने की इजाजत दे सकता है? महबूबा अल्लाह जानता है। तीनों सियाबा बयक जुबान सबसे पहले हजरत उमर कहने लगे आदा बोहतान नजीम, यार सुल्ला ये बहुत बड़ा इल्जाम है हुजूर, ये बहुत बड़ा, यही अल्लाह ने कुरान बना दिया। सूरह नूर की 16 आयात रब ने नाजल फरमाई, अगर हजरत आयशा पर इल्जाम ना लगता तो 16 आयतें उनकी शान में नाजल भी ना होती। ये तो भला हो गया, ये तो भला हो गया कि 16 आयात उनके हक में अल्लाह ने नाजल फरमाई और रब ने फरमाया हाजा बोहतान अजीम, महबूब ये बहुत बड़ा बोहतान है। ये अल्लाह वालों पर, नेक लोगों पर ये काम, पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए हम इसमें शरीक तो नहीं। कोई बरादरी क्यों ना हो, कोई कबीला क्यों ना हो, कोई दोस्त क्यों ना हो, कोई मुसलमान क्यों ना हो, हम इन चक्रों में शामिल तो नहीं। अल्लाह जानता है किसी घर के एक बच्चे से गलती हो गई, उनकी बहनों का रिश्ता आया है, लोगों ने उस बच्चे की गलतियां उठा उठा के भेजी हैं। भाई के गलत होने में बेटियों का क्या कसूर है? एक बुजुर्ग मेरे पास तवीज लेने आए, कहने लगे बड़ी बेटी की उम्र 28 साल से ज्यादा हो गई, बेटे ने बदमाशी की है, उसने जुल्म किया है। हजरत जी मेरी बेटियों का रिश्ता भी कोई नहीं लेता, इसलिए कि जब लोग आके मोहल्ले में बात पूछते हैं तो लोग मेरे बेटे का नाम लेते हैं। वो जेल में है तो लोग कहते हैं जिनका भाई जेल में सजा भुगत रहा है, कहने लगा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, किसी वक्त भी मर जाऊंगा, इन बच्चियों का बोझ कैसे लूंगा? हम भाई खुदा रहा सोचो, कुरान कहता है कि बेटे का बाप बोझ बाप नहीं उठाएगा, बाप का बोझ कयामत में बेटा, तो एक दूसरे की गलती दूसरों पर क्यों डालते हैं हम? हमें समझना चाहिए, फिर अफवाह उस पर हकीकत से ताल्लुक ही कोई नहीं जो